डिंडोरी जिले में वर्षा काल में भी सूरज तप रहा है। वर्षा न होने से खेत में बोने के बाद भी फसलें प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में किसान इंद्रदेव को मनाने के लिए पारंपरिक रूप से पूजन हवन कर मनाने का प्रयास कर रहे हैं। शाहपुरा विकास खंड क्षेत्र ग्राम टिकरिया पडरिया और साथ ही में चरगांव सलेया और भीमपार बरोदा व अन्य आसपास ग्राम के एकत्रित किसानों ने अपने अपने गांव के इष्ट देवी देवताओं के मंदिरों के अच्छे मानसून और साथ ही में अच्छी फसल की कामना के लिए शाहपुरा क्षेत्र में जगह जगह पर सांस्कृतिक सेला नृत्य और साथ में पूजा अर्चना टोटका आदि के साथ कई दिनों से यह प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। गाँव में देवी मंदिरों में धार्मिक स्थानों में हवन पूजन भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जा रहा है। स्थानीय रहवासी व कृषक गोविंद गोलिया ने बताया है कि किसानों पर लगभग हर वर्ष प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में किसानों को कृषि कार्य करने में समस्या होती है। इस वर्ष मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए किसानों ने ईश्वर से मौसम अनुकूल बनाए रखने व अच्छी फसल होने की कामना के साथ हवन में आहुति देकर आरती व 24 घंटे का 24 राम भजन का इंद्रदेव को मनाने के लिए गाँव में कृषक रात भर राम भजन के साथ अखंड रामायण कर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भाव भक्ति कर भगवान को मनाने में लगे हुए हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि हमारे यहां पर बिलगड़ा जलाशय से जो ग्रामीण अंचल में नहर आती है उसे अभी तत्काल चालू करवाया जाए, जिससे ग्रामीण किसानों की बिलगड़ा जलाशय का पानी हमको मिल सके, जिससे हमारी सूख रही फसल को सिंचाई करने के लिए सुविधा मिले और हमारी फसल को कुछ राहत मिल सके। मध्य जुलाई के बाद भी वर्षा नहीं होने से किसान के साथ साथ आम परेशान है। किसानों को अपनी फसल की चिंता है और इसी को देखते हुए किसान इंद्रदेव को मनाने के लिए पारंपरिक रूप से हवन पूजन आदि कर रहे हैं। इसी के साथ ही इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अब लोग टोटके का सहारा भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आइए बात करते हैं शाहपुरा हमारे संवाददाता संदीप भूलिया से। तो संदीप जी बताएं, वहां पर किस तरीके से इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीणों द्वारा क्या किया जा रहा है? जी नीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिंडोरी जिला के शाहपुरा क्षेत्र में बारिश न होने के कारण ग्रामीण कृषक लोग काफी परेशान हैं और इसी के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में लोग जगह घूम पूजन करके और साथ ही साथ पहला नृत्य और पूजन अर्चना कई प्रकार से लोग इसके तरीके से इंद्रदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं, जिससे और बारिश हो जिससे उनका खेतों में पानी मिल सके और साथ में किसान अपनी खेती बाड़ी कर सके। इसको लेके ग्रामीण काफी नाराज हैं और साथ ही साथ इसको लेके लोग चाहते हैं कि हमको पानी मिल सके, बारिश हो जाए जिससे हम अपना खेत खलिहान अच्छे से फसल उगा सकें। जी संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से इनके द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है, साथ ही में कहा जा रहा है कि टोटकों का सहारा लिया जाता है, शेल नृत्य किया जाता है, तो किस तरीके से सारी कार्यवाही की जाती है? जी, अलग अलग गांव में अलग अलग प्रकार से इंद्रदेव की पूजा अर्चना की जा रही है। अभी एक गांव में हमने अभी तक जहाँ पे हमने देखा कि महिलाओं के द्वारा नृत्य जो कि सैला के द्वारा किया जा रहा है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर नृत्य कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ गाँव में रामधुन के माध्यम से दिन रात एक बराबर और अखंड रामायण का आयोजन किया जा रहा है। जी संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बात तो सच है कि वर्षा काल में भी सूरज तप रहा है, जहाँ पर वर्षा नहीं होने से खेतों में बोनी होने के बाद भी फसलें प्रभावित हो रही हैं, तो इसको लेकर किसानों को क्या कहना पड़ता है? किसानों को कहना है कि इस बार ऐसी कोरोना काल को ऐसी गरीबों का जीना हराम कर दिया है, साथ ही साथ अब ऐसे में हमारा और भी जीना दुब्बर हो गया है, क्योंकि अब कोरोना से कुछ अभी उभर के आए हुए ही नहीं, साथ ही साथ ये बारिश और बारिश के न होने से किसान और परेशान हो चुके हैं और किसान को जब तक इसकी राहत नहीं मिलेगी। जी, तो जिस तरीके से आपने सुना कि और देखा भी कि किसान जो है किसी भी तरीके से इंद्रदेव को मनाने के पारंपरिक साथ में नृत्य आदि करके इंद्रदेव को मनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो इसी के लिए संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी हम आपसे यूं ही बात करते रहेंगे। पूरा फसल सूख गए हैं और रोपा लगाए बंद है अभी काश्तकारों का। काश्तकार लोग रामधुन भगवान का नाम लेकर के यहाँ रामधुन लगाए हुए हैं और इस विषय में लेकर के उच्च अधिकारियों को भी हमने फोन के माध्यम से सूचना दे दी है कि पानी संस्था परौदा में नहीं आ रहा है, जिसकी तत्काल पानी का व्यवस्था किया जाए, नहीं काश्तकार भूखा मर जाएंगे।
कुछ किसानों का आरोप है कि पुराने जमाने से हमारा ये मंदिर प्रतिष्ठित है। हमारे पूर्वज लोग यहाँ जब फसल सूख रहे थे, पानी नहीं दिखता था, तो उस समय यहाँ हम अखंड रामायण का आयोजन करते कीर्तन के द्वारा इस स्थान में हम भोजन करने से घनघोर वर्षा हो रही है। इसलिए इस वर्ष भी आज एक महीने से वर्षा नहीं हो रहा है, इसलिए हमने अखंड रामायण का आयोजन किया है। कितने घंटे के लिए रखते हो? हमने 24 घंटे के लिए रखा। अच्छा, तो यहाँ पे एकाध बार ऐसे किए होंगे कि कई बार यहाँ से, तो ये प्रमाणित है? प्रमाणित है, कई बार हमारे पुरुषों के द्वारा ये चलाया आया है दोनों बारों से। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद प्रसाद मौलिया है। किस ग्राम से है? मैं ग्राम तिजरिया से हूँ। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए शाहपुरा से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।